प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 56 हो गई है। हाल ही में भीलवाड़ा और झुंझुनू में एक एक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं अभी 528 सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है। प्रदेश में बढ़ते आंकड़े चिंता का विषय बनते जा रहे हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए चिकित्सा विभाग पूरी तरह सतर्क है। इसको लेकर चिकित्सा मंत्री ने कहा कि विभाग पूरी तरह मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। वहीं ईरान से भारतीयों को लाकर जोधपुर और जैसलमेर में एकांतवास में रखा गया है। कोरोना रोकथाम के लिए स्क्रीनिंग कर संदिग्ध लोगों को आइसोलेट किया गया है। साथ ही प्रदेश में 1,00,000 लोगों को क्वारंटाइन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना वायरस की स्थिति को हमारे विभाग द्वारा और अलग अलग विभागों द्वारा समन्वित प्रयासों के तहत कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। 275 यात्री जो भारतीय मूल के हैं, उनको ईरान से एयरलिफ्ट करके जोधपुर आर्मी के क्वारंटाइन सेंटर में लाया गया है। उसमें 133 महिलाएं हैं, 142 पुरुष हैं और 6 बच्चे हैं। इस तरह से ये दूसरा दल है जो जोधपुर आया। उससे पहले जैसलमेर में 490 लोग थे। राजस्थान में जो मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रखा था क्वारंटाइन फैसिलिटी 1,00,000 बेड बनाने का, उसमें से अभी तक 55,400 बेड हमारे चिन्हित किए जा चुके हैं और बाकी की कार्रवाई चल रही है। हमारे पास अभी पर्याप्त वेंटिलेटर्स हैं, बाकी वेंटिलेटर्स और परचेज करने के ऑर्डर्स कल ही जारी कर दिए गए हैं। अवेलेबिलिटी के आधार पर वेंटिलेटर्स और परचेज किए जाएंगे और एक वेंटिलेटर से 2 मरीजों को कैसे हम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, उस पर NBC से बात चल रही है और उसका परीक्षण भी कल किया गया है। कुल मिला के PPE किट राजस्थान में 8,549 हमारे पास मौजूद हैं। N95 मास्क 38,099 हमारे पास मौजूद हैं और जो बफर स्टॉक है PPE किट का वो है 2,821 और N95 मास्क का बफर स्टॉक 36,272 है। हमारे राजस्थान में करीब 60,61,000 परिवारों का घर घर जाके सर्वे, जो एक्टिव सर्वेलेंस के द्वारा चिकित्सा विभाग की टीमों ने किया है, उसमें 2.5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग का काम राजस्थान में अभी तक पूरा हुआ है और पैसिव सर्वेलेंस में करीब 25.5 लाख रोगियों की OPD में स्क्रीनिंग की जा चुकी है। कुल मिला के चिकित्सा विभाग ने बहुत ही ढंग से पूरे राजस्थान में, चाहे बाहर से लोग आए हों, पड़ोसी राज्यों से, उनकी स्क्रीनिंग का काम है, उनको खाना देने की बात है, मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी जो दूसरे विभाग हैं उनसे बराबर समन्वय कर रहे हैं। निरंतर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है और इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए जो 1% हाइपोक्लोराइट के साथ हम इन्फेक्शन की कार्रवाई जो निरंतर अंतराल के बाद राजस्थान में कर रहे हैं, कंट्रोल रूम हमारा काम कर